हूँ ही नहीं, बट कभी कभी कुछ कपड़ों में मैं लग जाती हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा स्टाइल कॉर्नर। आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम इस तरीके से सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ, वो भी अपनी फ्रेंड दर्शना के साथ, माय बेस्ट फ्रेंड। तो दर्श मेरे घर कुछ टाइम से आई हुई थी, तो हमने सोचा चलो ट्रेंड से कुछ शॉपिंग करके लेके आते हैं, क्योंकि मनावर में एक ट्रेंड से ही ले देके। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा था, राइट। तो वहाँ पर हमने 16,000 की शॉपिंग की, तो उस पूरा डायरेक्ट हाफ हो गया 8,000। तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हमें, अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए। तो वहीं से हमने सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़े खरीदे हैं जो फेस्टिवल में आप पहन सकते हैं, जैसे अभी आने वाली है नवरात्रि, उसके बाद दिवाली, और उसके बाद अभी करवा चौथ, ये सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो वहाँ पर आप इनको पहन सकते हैं। तो ट्रेंड्स पे भी काफ़ी अच्छे कुर्ते की वैरायटी मिल जाएगी आपको। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम दोनों ने सेम कुर्ता पहना है, तो जी हाँ, हम दोनों ने सेम कुर्ता पहना है। ये हम दोनों ने ट्रेंड से लिया है, थोड़ा सा साइज का डिफरेंस है बस, अदरवाइज बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हाँ, तो ये वाला जो अनार के लिए जो कुर्ता है, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है, और ये हमें अराउंड 2,000 में पड़ा था, और ये डायरेक्ट हाफ होके हमें 1,000 मतलब 2,000 में हमें दोनों कुर्ते मिल गए, और ये बहुत ही प्यारा सा कलर है। तो आप इसे अपने करवा चौथ पे, अपने दिवाली पर, ये कहीं पर भी आप पहनोगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आप इस तरीके के झुमके डाल सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, और दर्श ने जैसे इस तरीके से स्टर्ट पहना है तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैंने इस तरीके की मैच करती हुई लिपस्टिक लगाई है, और इसने पिंक कलर की, तो इस तरीके से आप दोनों लुक क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये दिवाली का है और ये तीज का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लेयर है, नेक आप देख सकते हैं, 3/4 स्लीव्स है, तो बहुत सुंदर लगता है ये ड्रेस। मुझे काफ़ी, सबसे पहले ये वाला ड्रेस दर्श को पसंद आया था, उस टाइम पर साइज नहीं मिल रहा था, तो फिर इसने बोला चल तू ट्राई कर ले, और मुझे ये पसंद आ गया, तो मैंने ले लिया। फिर बाद में दर्श को भी यही वाला साइज मिल गया, देन हमने दोनों ने खरीद लिया कि ठीक है, हम दोनों अच्छे लगेंगे, अच्छे लग रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा, क्योंकि ये तो हमारा फेवरेट है ना। हम किसी स्पेशल ओकेशन में साथ में ये वाला पहनने वाले हैं, बहुत सुंदर लगेगा। चलिए अब सेकंड ड्रेस की बात करते हैं। गाइस, ऐसा है कि जैसे हम दोनों ने ट्यूनिंग की है, वैसे हमने सोचा क्यों ना हम अपने पतियों की भी ट्यूनिंग कराएं, क्योंकि जैसे हम बेस्ट फ्रेंड है, वैसे वो दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। तो हमने उनके लिए सेम कुर्ता लिया है, कुर्ता प्लस शर्ट। हाँ, आई थिंक ये जो स्टैंड कॉलर है, तो सेम हमने दोनों के लिए, ये कोको के लिए है और ये संटू के लिए है, ये संटू जीजू के लिए है, तो हमने दोनों के लिए सेम लिया है। और ये नेवी ब्लू कलर का कुर्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। इसका प्राइस है 999। ओके, तो ये हमें 999 में दोनों हो गए या हाँ, तो ये 1,000 में दोनों हमें मिल गए हैं, जो बहुत अच्छी डील रही। तो आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए, किसी के लिए भी, फ्रेंड के लिए, लवेबल के लिए, किसी के लिए भी आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पिंक सूट की, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और ये भी हमारा मैच ही हो गया, हमने सोचा नहीं था ऐसा कुछ। दिस इज द सूट विथ दुपट्टा, प्लाजो एंड पूरा सेट है, पूरा सेट, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, मतलब ये है 1,300। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक पर गोटा पट्टी वर्क करा हुआ है, तो ये काफी अच्छा लगता है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। और मेरा इस तरीके का, और सब थोड़ा सा लेस लगी हुई है, इस तरीके की डिटेलिंग की हुई है व्हाइट कलर में, ऐसे पॉम पॉम भी है। हाँ, ये पॉम पॉम भी है, और नीचे से मेरे इसमें राउंड है नीचे, आप यहाँ देख सकते हो एप्पल कट है, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो दोनों का थोड़ा सेम हो गया है, थोड़ा सा ऐसी है, सिंपल सा ए लाइन कुर्ता, लाइन ही बोलते हैं ना। हाँ, ए लाइन कुर्ता है, और प्रिंटेड है पिंक कलर में, बहुत सुंदर लगता है। बात ये थी कि मैं इसमें मोटी नहीं लग रही थी, वैसे मैं अपने आप को मोटी कंसीडर करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं, बट कभी कभी कुछ कपड़ों में लग, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, कभी कभी कुछ कपड़ों में लग जाती हूँ, तो इस कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं लग रही। दर्श बिल्कुल मोटी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैं हूँ मोटी, तो मैं
तो ये मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला कुर्ता। इसके साथ प्लाजो आया है, प्लाजो इस तरीके का प्लाजो है मेरा, मेरा भी है। और हाँ इसका इस तरीके से प्लाजो है, और मेरे साथ ये वाला इसका वाइट दुपट्टा दुपट्टा आया है। है, गोल्डन दुपट्टा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी काफी सुंदर है, ये आप अपनी दिवाली पे ना, दिवाली पे या बहुत सुंदर लगेगा। इवन नॉर्मल ये जैसे कैजुअल पार्टी में पहन सकते हैं आप, ऐसे ही नॉर्मली जीबीएम में जा रहे हैं, किटी पार्टी में जा रहे हैं, जहां भी आप अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, लाइक पूजा पाठ में। और सबसे अच्छी चीज आप अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि या इस तरीके के जो कुर्ता सेट होते हैं दुपट्टे के साथ, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट ड्रेस की बात करें तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ फेस्टिवल में ही पहन सकते हैं, आप इसको नॉर्मल डेली वियर में भी, इवन अगर आप कहीं नॉर्मल सी पार्टी में जा रहे हो ना, तब भी ये वाला कुर्ता पहन सकते हैं। दिखा ये, इट्स माय रूप। तो ये बहुत ही सुंदर कॉटन मटेरियल, एक मटेरियल काफी अच्छा है इसका, और यहाँ पर इस तरीके से नेक लाइन है इसकी जो बहुत सुंदर लगती है। तो इस टाइप के जो कुर्ते होते हैं आप नॉर्मल किसी भी फंक्शन में, छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हैं। आपको ज़्यादा ओवर कभी कभी होता है ना कि हमको बहुत कम तैयार होना होता है पर फिर भी अच्छा दिखना होता है, तो इस टाइप के आप कुर्ते पहन सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रेस की बात करें तो ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, फ्लोरल प्रिंट, पिंक में थोड़ा सा ब्राउन इस तरीके से कलर है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और इस टाइप का एक बेल्ट है जो कभी काम में नहीं आता, मैं तो नहीं पहनती, आप लोग पहन सकते हो। और इस तरीके से कॉलर है, तो ये काफ़ी अच्छी ड्रेस है। आप नॉर्मल कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप पहन सकते हो, अपने बर्थडे पे भी पहन सकते हो आप इसे, तो ये काफ़ी अच्छा है, कभी भी पहन सकते हो, बहुत सुंदर सी ड्रेस है, इसमें कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। और इसमें एक और कलर था, वो पीच कलर का था प्योर, तो मैंने इसे बोला कि ले ले था, पर लिया ही नहीं इसने, कंजूस है ये। नो, वो थोड़ा सा मोटा, नहीं मैं लगती नहीं हूँ, पर वो उस कपड़ों में ज्यादा लग रही थी इसलिए मैंने नहीं। लगती है नहीं वो, पर उसमें लग रही थी इसलिए फिर उसने नहीं लिया, और फिर मैंने ये वाली ड्रेस ली है जो मुझे काफी अच्छी लगी। और इसका प्राइस, प्राइस की बात करें 999 की है, तो 999 मतलब ये मुझे 500 में, हाँ डायरेक्ट हाफ, सारा जो भी हमने लिया है जितनी भी प्राइस है उसका हाफ हो गया है, तो ये वाला है। अब नेक्स्ट कुर्ते की बात करूँ ये कुर्ता इतना ज़्यादा सुंदर है, आप लोगों को भी ये जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये अपने आप दिवाली, दशहरा कहीं पर भी पहन सकते हो, इवन नॉर्मल पार्टी वगैरह, किटी पार्टी वगैरह में कहीं पर भी पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा कलर है, लुक एट दिस, कितना सुंदर है देखा। और उसका फ्लेयर, ये इस तरीके से इसका फ्लेयर है, बहुत सुंदर है। इसको बोलते हैं रबड़ प्रिंट आई थिंक, है ना, हाँ। तो ये इस तरीके से कलर, इस कलर में पाउडर ब्लू कलर में सिल्वर इस तरीके से वर्क है, वर्क नहीं है, रबड़ प्रिंट है। और इस तरीके से सामने बटन्स लगी हुई है, और ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, कलर इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये पहले दर्श लेने वाली थी बट उस पर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और ये मुझ पर अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ, कोई तो ले। एक्चुअली इसमें हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहे थे, और वो होता है ना कि एक बार देखा और आपको पसंद ले लिया, हाँ, और आपने ले लिया, वो इस टाइप का। पर कभी कभी ऐसा होता है, हम कभी देखते हैं और जब पहनते हैं तो वो चीज अलग होती है, वो हम पे जैसे अच्छा नहीं ये लगा। मुझे सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने पूजा को बोला, पूजा मेरे को ये लेना ही है, ये तो प्यारा लग रहा है, और सबसे पहले हमने ट्राई भी इसी को किया, हाँ। तो इसमें पूजा बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और मैं सो लग रही थी, तो फिर मैंने लिया नहीं ये वाला। बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपने दशहरा दिवाली में आप इसे कैरी कर सकते हैं, और मस्त वाले एकदम जंग ज्वेलरी भी इसके साथ बहुत सुंदर लगेगी। अब हमने जो भी ली है वो कोको की है, कपड़े खत्म हो चुके हैं। तो ये एक शर्ट ली है, फटाफट बता देते हैं लड़कों के, इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, पर ठीक है जो लिया है तो दिखा देते। तो ये वाला एक शर्ट चेक्स पैटर्न में ये कोको ने लिया है, जो काफी सुंदर लगता है और उन पे काफी अच्छा लग रहा था। इस टाइप के जो चेक्स है ना वो हर किसी पे बहुत अच्छे लग जाते हैं, तो आप भी ये कंसिडर कर सकते हैं। और एक ये वाला, और ये जीजू ने पहन भी लिया, ये आप नेक्स्ट एक किसी वीडियो में देखेंगे, मांडू हम रिवील नहीं कर सकते, आ जाएगा मांडू वाला वीडियो आई थिंक आपको मिल चुका होगा जब हम ये वाला वीडियो शूट कर रहे हैं। ओके तो ये वाला शर्ट पहना था कोको ने, काफी तो सुंदर, काफी सुंदर लग रहा था उनपे, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये आई थिंक 500 का था, हाँ ये 500 का लोअर है,
और सेम इसमें का लोअर दर्श ने भी लिया था बड़वानी से, तो ये काफी अच्छा मतलब ट्रेंड से, यदि आपको नॉर्मल डेली रूटीन के लिए कोई चीज लेना है लाइक इस तरीके के जो लोअर है ना, आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, मटेरियल वाइज भी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरा सेकेंड थर्ड आई थिंक थर्ड लोअर है जो काफी अच्छा है और कलर भी इसका काफी सुंदर है, काफी अच्छा है। मैंने बहुत ट्राई किया है, लगता है मैंने 1 ईयर से इसको वियर किया है डेली यूज में। जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन सिर्फ मिंत्रा या अमेजोन से ही मंगवाए, आप अपने आस पास। हाँ, ट्रेंड्स काफी अच्छा मुझे लगा आजकल, मुझे काफी पसंद आ रहा है क्योंकि बहुत अच्छी चीजें मिल जाती, ऑफर काफी अच्छा देता है, तो ये अच्छा है। नेक्स्ट कोको के लिए हमने एक ये क्या है जींस, तो इस तरीके का एक जींस लिया है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जीजू का कुछ ब्रांड्स है जो जीजू को बहुत पसंद है, जीजू ब्रांडेड तो ये वाला जींस है और इसकी प्राइस ये 799 का, ओ सॉरी 1799 1799 का मतलब अराउंड 1800 का है ये, और काफी अच्छा है कोको फे, काफी अच्छा लग रहा था। आप अपने हस्बैंड को लेके जाओ, मतलब वो तो खुद शॉपिंग करेंगे, साथ में आपको भी शॉपिंग करने को मिल जाएगी। जीजू भी अपने फ्लोर पे गए मेंस फ्लोर पे, एंड देन जीजू ने इतना सारा शॉपिंग किया, फिर जीजू को लगा ओ शिट मैंने थोड़ा सा लेट हो गया, वरना जीजू थोड़ा हमसे ज्यादा लेके आते। हाँ, मैंने ऑलरेडी मेरी सारी ड्रेसेस निकाल के रख ली थी और मैंने बोला मैं एक भी चीज कम नहीं करूंगी, आपको जितना लेना ले लो। ये है कि ये वाला जो कुर्ता है ये मुझे जीजू ने दिलाया है, ठीक है, ये गिफ्ट में दर्श को, क्योंकि इतने दिन कितने 3-4 दिन दर्श मेरे घर पे पहली बार रुकी थी और हमने बहुत मजे किए। हम मांडू घूमने गए, मांडू वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक आई बटन में दे दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आई थिंक अपलोड कर चुकी होंगी आपको। और हम मूवी देखने गए थे रक्षाबंधन, ठीक है, बहुत बहुत प्यारी मूवी है, मतलब आपको जरूर देखना चाहिए रक्षाबंधन। और इसके बाद फिर हम फ्रेंड्स गए, हमने शॉपिंग की, दूसरे दिन हम मांडू गए और नेक्स्ट डे हम लोग बहुत थक गए, तो हम लोगों ने घर में सोचा कि ना हम आपस में बैठ के बातें ही कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम बातें नहीं करेंगे ना हमारा जो मिलना है ना वो अधूरा अधूरा लगता है। हाँ, और एक दिन में दर्श के यहाँ रुकी थी बड़वा में, तो टोटल 4 डेज हो गए हैं। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब विद द ट्रेंड्स। ये आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है, तभी तो आपको न्यू वीडियो मिलेगा, है ना दर्श? हाँ, और मैं आती जाती रहूंगी वीडियो में इफ पॉसिबल। हाँ, ऑलरेडी अभी दर्श 2 या 3 वीडियो में आई थिंक आ चुकी है। तो आपको मेरी फ्रेंड कैसी लगी? अच्छी है, क्यूट है मेरी फ्रेंड। तो ऐसे कि हम बचपन के दोस्त हैं, थोड़ी सी चिट चैट भी कर लेते हैं। दर्श मेरी बचपन की दोस्त है, हम पहले नॉर्मल दोस्त थे उसके बाद हमारी दोस्ती गहराती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और फिर जब कॉलेज, आफ्टर कॉलेज ना, कॉलेज के बाद फिर हमारी फोन पे, मतलब इतना तो मैं मेरे घर पे भी बात नहीं करते थे हम लोग, मुझे लगता है कि हम 24 आवर्स है में से 10 या 8 आवर तो हम दोनों फोन पे बात कर रहे होते बिकॉज ऑफ समथिंग। ओके, तो फिर हम लोग खूब बातें करने लगे, फिर हमारी बनने लगी, फिर अभी कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। और सबसे अच्छी बात ये कि हम दोनों के हस्बैंड की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है, तो उनकी तो मतलब अलग ही चलता है, तो हम दोनों चाहे मिले ना मिले लेकिन वो दोनों आपस में प्लानिंग चल रही थी कि हमें मिलना है, बात करते हैं ये वो जो भी। और सबसे अच्छा कि जीजू डॉक्टर है तो वो हमारी फैमिली डॉक्टर बन गए, तो हमें कुछ भी होता है तो हम जीजू से कॉल करते हैं और वो मेडिसिन बताते, तो हमें आजकल डॉक्टर का चल रहा है। और एक और चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि शादी होने के बाद लड़कियों की दोस्ती नहीं रहती, ठीक है, तो उसके लिए एक टिप है, अपने हस्बैंड को अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से दोस्ती करा। आप अपने हस्बैंड से दोस्ती करा। हाँ, मेरी शादी के पहले मैं और दर्श प्लानिंग करते थे कि अगर मेरे हस्बैंड ने हमको मिलने नहीं दिया तो हम कैसे मिलेंगे, खड़ूस हुआ तो। हाँ, तो बहुत प्लानिंग, तो हमने सोचा था इन दोनों की दोस्ती करवा तो देते हमने हैं। फिर शादी के इसकी शादी के आफ्टर 4 मंथ बाद हम लोग मिले और फिर जीजू और सोंटू का दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, तो ये चीज अच्छी हुई। और हमारी दोस्ती हम चाहते हैं कि मरते दम तक रहे, है ना, और हम जीजू मुझे ऐसे ही कुर्ते दिलाते रहे तो हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रहे, आगे बढ़ती रहे, हम दोनों आपस में ऐसे ही मिलते रहे। पर और जो मूड स्विंग है ना वो सिर्फ मैं झेल सकती हूं भाई साहब, इसका कभी भी मेरा मन नहीं करा किसी से बात करने का, मुझे अकेला छोड़ दो, मतलब रोना गाना पता चलता रहता है इसका। तो एक चीज है, सबसे सही बात है कि सिर्फ मुझे झेल सकती तो यही झेल सकती है, लाइक क्योंकि मेरी बहुत मूड स्विंग है और मैं बहुत जल्दी गुस्सा होती हूं। तो ऐसा है मेरे साथ, ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हूं,
बट फिर धीरे धीरे जब मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं फिर किसी भी पर्सन को बहुत आसानी से छोड़ नहीं पाती, बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इमोशनल हो जाती हूँ, और इसी वजह से इसके जो मूड स्विंग्स है ना मैं झेल लेती हूँ कि यार एक लौती तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और मैं भी बहुत इमोशनली हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हम दोनों का जम जाता है। हाँ, और इमोशनल ऐसा नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बट जो बेस्ट बेस्ट जो बोलते हैं ना, बहुत लंबा हो गया और हम अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी बातें सुनने में और अभी करने में तो प्लीज कमेंट करना, तो हम लोग किसी दिन अपनी एक पूरा वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम जब भी मैं दर्श के घर जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा टर्न है, ये आ चुकी है, तो अब मुझे इसके घर जाना खेलते हैं तो इसके बाद अब मुझे जाना है, 2 मंथ या 1 मंथ में इसको मेरे घर आना है, तो उस टाइम पर हम जरूर एक चिट चैट वीडियो बनाएंगे, तो आप कमेंट करके सारे कमेंट कर दो कि आपको क्या पसंद है हमारे बारे में, आपको जो भी लगता है हम दोनों के बारे में, हमारी दोस्ती के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, हमारे बैकग्राउंड के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और इसी तरीके से प्यार करते रहिए, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वो घंटे का बटन प्रेस कीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। yes. और बीइंग अ यूट्यूबर इज वेरी स्ट्रगल बिहाइंड देयर, बट वो आपको भी दिखेगा नहीं क्योंकि हमने थोड़ा सा छुपा रखा है। हाँ, क्योंकि दर्श को एक ही वीडियो में समझ में आ गया और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग अगर मांडव भी गए थे तो हमें पूरा तैयार होके जाना पड़ा क्योंकि हमें ब्लॉग बनाना था और इसके चक्कर में मुझे भी तैयार होना पड़ा, और तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल है मेरे हिसाब से एडिटिंग एंड ऑल समथिंग। तो प्लीज़ आप थोड़ा ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने परिवार वालों सबके साथ शेयर करें, सबको बोलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करने का, और आप मुझे भी बीच बीच में देखते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, दर्श को तो मैं चैनल पे लाती रहूँगी, आप जब बोलोगे तब, सिर्फ आपके लिए। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही ज़्यादा बातचीत हो गई है और अब मेरा मोबाइल भी बंद होने वाला है, तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।